भाई ये है बनबीबी मंदिर। ये बनबीबी मंदिर ये बौखली सी बीच के सामने ही है। तो बौखली सी बीच घूमते घूमते हम लोग यहाँ पर भी आ गए। इसका एक खास बात है ये मंदिर का, जब भी कोई ये सुंदरबन जो एरिया है, आप कहीं वीडियो में देखे हैं कि जो शिकार करने जाता है वन पर, तो तभी अगर कोई बाघ से या कोई जानवर से शिकार हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है उस फैमिली को। जैसे यहाँ पर जब भी कोई शिकार में जाता था तभी यहाँ पर आके पूजा देता था, या अभी भी देता है, तभी या मधुमक्खी कलेक्ट करने के लिए या कोई बाघ शिकार करने के लिए, मतलब कुछ भी कलेक्ट करने के लिए जब भी जाता है तो कोई शिकारी से आप बचने के लिए यहाँ पर पूजा देने आते हैं सब लोग। तो यही है इस खास वजह ये बनबीबी मंदिर का। तो ये जगह जो है ये अनएक्सप्लोर्ड एक जगह है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं आपको पूरा इस जगह का जो एम्बियंस है आपको दिखा रहा हूँ। ये जगह एकदम शांत है, बहुत शांत है। अगर आप कभी भी आइए बौखली सी बीच में, तो आके आप लेफ्ट साइड पर कुछ 1 किलोमीटर दूर आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आप ये मंदिर देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो? आज मेरा बौखली में 3रा दिन है, लेकिन मैं आज ही यहाँ पर रैप अप करूँगा। कल बहुत बढ़िया गुजरा हम लोगों का, सब लोग का बहुत अच्छा शूटिंग गया। तो आज हम लोग रैप अप कर रहे हैं। एक म्यूजिक एल्बम का शूट था, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और कल रात को मैं एक वीडियो नहीं कर पाया जो है इस मार्केट, बीच मार्केट जो फिश मार्केट है, मतलब यहाँ पर रात को जो नाइट लाइफ है वो कैसा है, ये इस बार मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाया। तो मैं ज़रूर दूसरा बार जब आऊँगा यहाँ पर ये नाइट लाइफ और एक जो ये यहाँ पर साइट सीन है। पहले बात बताता हूँ, आप लोग जानते हो कि मैं कभी जो टूरिस्ट स्पॉट होता है वो ज़्यादातर नहीं जाता हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है तो चला जाता हूँ। तो ऐसे ही मैं जाऊँगा, तो नेक्स्ट बार आके मैं ज़रूर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है हेनरी आइलैंड फ्रेजरगंज। तो ये किस लिए खास है, क्या है, तो मैं नेक्स्ट बार आके आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी बज गया है 8। तो मेरा जो टेक्निकल टीम है साथ में मौसमी, बाकी टेक्निकल टीम आपके खुद के कमरे में है। तो अभी सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, अभी ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। और इसके बीच थोड़ा जो पहले आप शॉट देखे थे वो सुबह हम लोग गए थे, मैं मौसमी बाकी कुछ टीम थे, सब लोग यहाँ वहाँ बीच पर घूम रहे थे। तो साथ में आपको ये बनबीबी का एक मंदिर भी दिखाया, आपको कैसा लगा ये भी बताइए। उसका खास बात जो है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन पर बता दिया, आपको वीडियो पर भी बता दिया। तो ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। और इसके साथ साथ मैं एक बार बता देता हूँ मेरा जो ये टूर का कॉस्ट कैसा रहा, क्या था, शूटिंग के अलावा जो मेरा कॉस्ट था घूमने का। अगर आप यहाँ पर घूमने आओगे तो आपको पहले बात है शियालदा से यहाँ पर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन का जो कॉस्ट है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो आपको यहाँ पर उतर के ट्रेन से टोटो या वैन या ऑटो बस कुछ भी पकड़ सकते हो, वो लेके आपको आना पड़ेगा बौखली। टोटो का यहाँ पर नामखाना स्टेशन से कीमत है आपका 200 रुपया से लगभग 250 रुपया। आपका ऑटो में आप शेयर ऑटो जा सकते हो पर पर्सन 40 रुपीज़। तो और आप बस में भी जा सकते हो, आपको लगेगा 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको होटल जो है ये होटल का कीमत है यहाँ से 500 रुपये से शुरू होता है, 500-1000 ये रूम आपको पड़ेगा 1000 रुपये। तो ऐसे ही बहुत सारा रूम है, आप यहाँ पर कुछ भी आप आके आपके कंफर्टेबल जोन लेके आप देख सकते हो।
और आपका बेस्ट सीजन है बौखली का जो है ये है विंटर, तो आपका यहाँ पर समर पे भी आ सकते हो, अभी तो छुट्टी का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर आके समर पे भी बहुत एंजॉय किया। हम लोग विंटर में भी एक बार आएंगे और आपको दिखाएंगे बाकी जो पार्ट है कभी भी, तो वो आपको आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। और यहाँ पर खाने का जो कॉस्ट है वो है आपको पर पर्सन पर डे आपको 200-300 रुपया एज पर आपका रिक्वायरमेंट जो है, मछली चिकन वगैरह आप जो भी खाना चाहते हो या पर स्नैक्स सब कुछ मिला के पर पर्सन आपको 400 या 500 रुपये डे आपको लग जाता है। तो टोटल कॉस्ट यही है, मतलब आप मान लीजिए पर पर्सन पर डे आप अगर 2-3 दिन रहेंगे तो यहाँ पर आपको 1,500 या 2,000 रुपया पर पर्सन आपको लग सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपका होटल अगर ज़्यादा आपको रेट में चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, मतलब डियोलैक्स सुपर डियोलैक्स, तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो यही है आपका बौखली आइटिनरी बजट जो आपको लगेगा। मैं पूरा आपको डिटेल में समझा दिया, आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सब लोगों के साथ, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। तो ये ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए जगह, नए पार्टनर, नए फ्रेंड्स, नए दोस्तों के साथ। और ये वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।